नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक एक्वागार्ड का आरओ सिस्टम है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि चालू नहीं हो रहा है। इसका बटन ऑन करने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये बटन इसका है, मैं चालू करता हूँ। चालू किया, फिर हमारे और वाटर प्योरीफायर की तरफ आते हैं हम। उसका जो कवर था, उसका बॉड प्लास्टिक कवर, तो मैंने पहले से ही निकाल दिया है। तो अगर आपका वाटर प्योरीफायर चालू नहीं हो रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, एसएमपीएस की तरफ आना है। एसएमपीएस है, अगर एसएमपीएस की एलईडी ये बल्ब है, इधर बल्ब होता है, ये जल रहा है, अगर ये बल्ब जल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक लाइट है। तो हमारा इधर ये ले लिया, तो इसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से देखा था आपको, ये तो कुछ लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर पूरा बंद है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले का ऑपरेशन, मतलब इससे पहले क्या होता है, इससे पहले फ्लूट स्विच की तरफ करंट आता है। एसएमपीएस की तरफ जाने से पहले फ्लूट स्विच की तरफ आता है करंट। ये फ्लूट स्विच है हमारा, जो टैंक होता है हमारा वाटर प्योरीफायर का, जो टैंक होता है वो भरने के बाद आरओ सिस्टम बंद होने के लिए यहाँ ये प्लोट स्विच लगाया होता है। ये प्लोट स्विच इस तरह से होता है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से कुछ होता है। ये जो किट है, ये आपको छोटा वाला किट दिख रहा है, ये छोटा वाला किट, तो ये किट है, यही किट, सेम यही किट है ये। तो ये इधर लगाया होता है इस तरह से, और ये हमारी टंकी में ये होता है, और अगर टंकी भर जाती है तो ये ऊपर आता है इस तरह से। आवाज आता है क्या आपको, देखिए ये आवाज आता है, इसका मतलब ऊपर खींचने के बाद आवाज आता है, मतलब ये डिस्कनेक्ट कर देता है। यहां से जो करंट जाएगा, तो इधर जाने वाला करंट है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। यहां से घूम के करंट इधर जाता है, तो उसको क्या करता है, ये ऊपर आएगा तो अंदर की पट्टी गिर जाती है और वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो सेम वही मैटर, अगर अभी टैंक तो खाली है, मतलब दोनों तरफ करंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो नीचे गया हुआ है। अगर वो नीचे गया है तो करंट यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। तो ये आरओ चालू नहीं हो रहा है, तो इसका मेन रीजन हमको इधर पहले ढूंढना है। तो मैं नीचे करंट देखता हूँ, क्योंकि इधर से वायर आई है। वायर किधर से जा सकती है, ऊपर से भी आके यहाँ नीचे से भी जा सकती है, और नीचे से आकर भी ऊपर जा सकती है। तो इस सिस्टम का नीचे से आया है पहले वायर, तो मेरे को इधर चेक करना पड़ेगा। इधर मैं करंट चेक करता हूँ टेस्टर से, तो ये करंट दिख रहा है इधर आपको, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए टेस्टर में आपको करंट दिख रहा है, जल रहा है, और मैं ऊपर चेक करता हूँ, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मतलब यहां तक तो करंट आया है, फिर वहां नहीं गया है। देखिए अभी यहां तो करंट आया है, लेकिन वो घूम के ऊपर नहीं गया है, मतलब इस किट का प्रॉब्लम है, ये जो किट है इसका प्रॉब्लम है। तो मैं उसको पहले, जो हमारा सेंसर होता है, उसको थोड़ा घुमा के देखता हूँ, कुछ भी नहीं आवाज आ रही है। देखिए मैं उसको नीचे से दाब रहा हूं, आवाज कुछ भी नहीं, इस सेंसर की आवाज ही नहीं आ रहा है। सेंसर टच तो हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। तो आवाज आपको किस तरह से आना चाहिए, आवाज इस तरह से आना चाहिए आपको, ये दिखाता हूं मैं। इस तरह से आवाज आना चाहिए, लेकिन वो आवाज नहीं आ रहा है, मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसके अंदर। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करके देखना पड़ेगा, ये जो किट है, मतलब कौन सा, ये वाला किट, पूरा की पूरा ये जो फ्लोट स्विच एक्सचेंज करने की वजह के बदले, मतलब ये करने के सिवा भी आप सिर्फ ये करके ओके कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये निकलना है, ये जो दो स्क्रू है, इधर एक स्क्रू है और इधर एक स्क्रू है,
और इसको रिप्लेस कर दीजिए तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट है यहाँ नहीं है, मतलब ओके है, ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। तो उसको खोल के हम देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। तो इससे पहले मेरे को कनेक्शन ऑफ करना पड़ेगा। मैंने कनेक्शन ऑफ किया, उसका पिन भी निकालिए, ये पिन निकाल दिया। और ये दो क्या, दो ये दो आपको निकालना है। मैं नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो दो, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकाल दिया। फिर उसका स्क्रू निकालिए, स्क्रू निकाल दिया। ये स्क्रू इस तरह से होता है, आपको अच्छी ढंग से अच्छी तरह से उसको सेफ रखना है, क्योंकि वो नहीं मिलेंगे तो आपको बाद में पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा फुट स्विच का। तो मैं इसको खोल देता हूँ यहाँ से भी, इस तरह से देखिए खोल दिया तो ये निकल गया स्विच, ये निकल गया इस तरह से। तो अभी आपको देखना क्या है कि इसके अंदर हुआ क्या है, आखिर यहाँ से यहाँ सप्लाई क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं उसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो स्विच है उसको अगर आपको खोलना है तो यहाँ से ये छेद होता है यहाँ, ये देखिए यहाँ छेद होता है ये। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस छेद को ये स्क्रू ड्राइवर की नोक नोक की मदद से आपको सिर्फ अंदर थोड़ा ऐसा दागना है ऐसा। ये देखिए गैप हो गया, ये गैप हो गया। इस तरह भी ऐसा ही करना है आपको। ये देखिए निकल गया, ये पहला वाला ढक्कन आपको इधर ही जला हुआ दिख रहा है। ये पहला वाला जो ढक्कन है उधर ही आपको थोड़ा जला हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर क्या हुआ है, पूरी तरह से जल गया है। ये बटन तो हिल ही नहीं रहा है, यहाँ जला है। ये देखिए सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हमारा स्विच बंद हो गया है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ, दूसरा लेता हूँ। ये दूसरा, ये अपना जला हुआ है, ये साइड में रखता हूँ और दूसरा इधर लगा के देखता हूँ कि चालू होता है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये काला वाला जो है इसको इस सेंटर में लगाना है, मतलब आगे वाले साइड में लगाना है। ये इस तरह से लगा दिया, स्क्रू लगाइए और स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कीजिए। नीचे वाला स्क्रू लगाइए, स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कीजिए। टाइट किया, अभी मैं आपको वो सेंसर खोल के दिखाता हूँ आवाज किस तरह से आता है। अरे मैं ये दाब रहा हूँ, हाथ से दाब रहा हूँ, ये तो पानी से ऊपर दा खींचता है वो पानी भरने के बाद टाइम में, लेकिन मैं हाथ से दाब रहा हूँ। आवाज देखिए, इस तरह से आवाज आना चाहिए तभी ये ओके है, कोई बात नहीं है। तो मैं अभी सेंसर लाइट वाली लगा देता हूँ, मैं जो हमारे केबल की वायर है ये लगा देता हूँ। लगा दी, अभी क्या करेंगे इसको चालू करके देखेंगे। इसकी पिन है, इसको मैं लगा देता हूँ इधर स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड किधर है, और ये देखिए इधर स्विच बोर्ड है, इसको मैं लगा देता हूँ। लगा दिया, उसका बटन ऑन करता हूँ। देखिए जैसे ही बटन ऑन किया और चालू हो गया, आपको हार्मिंग की आवाज़ आती है, आ रहा है आपको आवाज, मतलब आपका आरो चालू हो गया। इसका प्रॉब्लम भी वही था कि इधर से पानी गिर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम, ये जो स्विच है उसका ही प्रॉब्लम था, इसकी वजह से चालू नहीं हो रहा है।
अगर आपको आर ओ वाटर प्यूरीफायर बंद है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है फ्लूइड स्विच, अगर इधर भी लाइव करंट है इधर भी करंट है तो इधर का प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर आपको आना है आपके ईसीएमपीएस की तरफ आना है ईसीएमपीएस। तो आपको भाई पहले क्या दिखाया था ईसीएमपीएस की रेड लाइट, मतलब जो नीली वाली लाइट होती है वो जल रही है कि नहीं जल रही, तो उस टाइम मतलब पहले टाइम जो ये जो बदला, तो उससे पहले मतलब जो पहला वाला स्विच था तब ये हमारी लाइट नहीं जल रही थी। अभी लाइट देखिए ईसीएमपीएस की नीली लाइट जल रही है, ये वाली लाइट लाइट है। तो इस तरह से आप अपना आर ओ वाटर प्यूरीफायर रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इशू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।